गाइस हम आ चुके हैं अमरीक सुखदेव पे। यहाँ थोड़ा कुछ लेते हैं, चाय नाश्ता वगैरह, फिर उसके बाद निकलते हैं आगे के लिए। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है तो थोड़ा बहुत टाइम यहाँ वेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। गाइस ही हमने दोनों गाड़ी लगा दी है और यहाँ काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। नहीं नहीं मसाज करानी है तो उधर चले जाए। नहीं 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 नहीं, आओ इधर आओ, वो इधर वॉशरूम वॉशरूम है, इधर वॉशरूम है। गाइस ये बहुत ही बढ़िया करके बना रखा है, देखो बच्चों के खेल खेलने के लिए यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं, इधर गेम लगे हुए हैं 3D वाले, और ये यहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हैं सामान। आओ इधर को आओ, आजा इधर को, आप भाग के गाइस आप लोग देख सकते हैं इसकी स्विफ्ट वाले के फास्ट टैग में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है और इनने जाम लगा दिया, अब बैक लेनी पड़ रही है गाड़ी, दूसरी लाइन में लगाते हैं। अब कोई सी भी लाइन में ले लो, जल्दी के चक्कर में फास्ट टैग पर लेट ही होते हैं। अब पीछे हमारे 2-3 गाड़ियां थी, उन्होंने भी बैक करी हैं और हमने भी बैक करी है, अब तक 10 गाड़ियां निकल चुकी हैं और हम नहीं निकले। हमारी दूसरी गाड़ी भी XUV आगे पहुंच चुकी है काफ़ी। गाइस आप देख सकते हैं हमारी लोकेशन 1.3 किलोमीटर पानीपत में जा रहे हैं हम एक दरगाह पे, दरगाह हमारी लोकेशन जो है बहुत पीछे रह गई, 6.4 किलोमीटर हो गया, पहले 1 किलोमीटर था, हमें उतरना था कट से नीचे को और हम चढ़ गए पुल के ऊपर को। बहुत ही मत्ता है, मैप का पहले नहीं बताता, बाद में बताता है, यही होगा यही। तो गाइस हम निकल चुके हैं पानीपत से, बैठ चुके हैं गाड़ी में, ये देखो गाइस हम निकल रहे हैं अब सरिंद के लिए, खड़ी हमारी गाड़ी पीछे और ये हमारी गाड़ी इधर क्रेटा, चलते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हम हाईवे के बहुत करीब आ चुके हैं, फिर हाईवे पे चलने के बाद आपको दिखा दें 165 किलोमीटर हमें चलना है सरहिंद के लिए, और हम रेगुलर चल रहे थे, 2 बजे चले थे हम। धीरे चलो, ये है महेंद्र रजन द्वार, हम एंट्री कर चुके हैं रोड पे चले। और ये साइकिल वाला जो है भैया चलो, और हम हाईवे पर आ चुके हैं, अभी काफी आगे से हमें वापसी आना पड़ा था, कम से कम 5 किलोमीटर। ये रोड काफी शानदार है और ये पार्किंग के लिए जगह बना रखी है।
गाइस आप लोग देख सकते हैं टोल पे कितना लंबा जाम लगा हुआ है, बहुत लंबा जाम है। गाइस ये डीसीएम वाला हमारे आगे को घुसा रहा था। गाइस हम तो औरों के आगे को लगाते हैं, वो हमारे आगे लगा रहा था। गाइस एक्चुअली बात ऐसी है, यहाँ पे जो है हमारा नंबर आ ही गया। वो कैसे चल गया टोल, धड़ाधड़ खुल गया। अबे फ्री का काम हो रहा है क्या? अरे 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 बड़ी तेज सर्विस कर दी इन्होंने, वो लगा दिया क्या तेज वाला? अबे अबे गाइस यार ऐसा टोल ऐसा तो आज तक खुला ही ना यार। गाइस ये देखो पहाड़ पीछे इधर इधर, और गाइस इधर पहाड़ भी होंगे गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं इधर पहाड़ आ चुके हैं। एक्चुअली गाइस यहाँ पे हल्का हल्का सा जाम लग रहा था। तो किधर चलना आप लोग, नीचे ऊपर को? हमें ऊपर को चलना, सीधे चलना ऊपर को। चलो गाइस हमारी स्पीड क्या बैठेगी? चलो भाई बैठेगी, चल ले रहा है वाला आदमी। तो देखो हवा टायरों में बिल्कुल सही है, ये कह रहे थे हवा कम है टायरों में, मगर वो हवा कम नहीं है, बिल्कुल सही है, लग रही थी पीछे से। तो आज आपने इतनी लंबी गाड़ी चलाई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? शेर शेर शेर। तो गाइस देखो ये शेर, शेर आप लोग देख सकते हैं, ये थार जा रही है। थार हम भी लाने की सोच रहे थे, मगर गाइस उसमें इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है, इसलिए हमने क्रेटा को चूज करा। थार लेके जाएंगे हम कश्मीर, बर्फ में 4x4 लगा के फुल एंजॉय करेंगे। गाइस हम आ चुके हैं अब लोकल रोड पे, यहाँ हमें एक जगह रुकना है थोड़ी देर बरास में, उसके बाद में निकलेंगे यहाँ से। और ये काफी पतला रोड है, पेड़ों का भी बहुत अच्छा है, और यहाँ एक ब्रिज आएगा बढ़िया, आप देख सकते हैं ये ब्रिज आ गया, इसके नीचे से हम निकल रहे हैं। ओ बहुत खतरनाक वाला झटका था, मगर दूसरा झटका नहीं लिया, ये भी आ गया। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, जैसे कि आप देख सकते हैं वो बड़ी भीड़ है भाई। ये जो है पार्टी सो गई थी, और जी गाइस आगे को गाड़ी, आगे को लगा लो भाई रोड पे, वो गाड़ियां तो बहुत आ रही हैं भाई, ऊपर को चढ़ा दो। गाइस हमने गाड़ी कर दी है पार्क अपनी दोनों, और हम आ चुके हैं अपनी दूसरी लोकेशन पे। बरास एक जगह पड़ती है पंजाब में, यहाँ पर दरगाह है, इस दरगाह पे जाते हैं, इसके बाद में निकलते हैं सरिंद। पंजाब पुलिस सेवा में सदैव तत्पर। अंदर अबूबकर सोने वाला है, देखो इसे नींद आ रही है। ये गाइस इन्होंने आज गाड़ी इतनी चलाई है, और बहुत बढ़िया गाड़ी चलाई है इन्होंने, लग नहीं रहा था चला पाएंगे। हम तो सोच रहे थे सिवा ढाबे पे हार मान जाएंगे, मगर एक ड्राइवर ये बैठे हैं गाइस, देखो ये सफेद शर्ट में, ये कह रहे थे लाओ हम चलाए, मगर ये बहुत ही फर्जी ड्राइवर है। तो गाइस लाइसेंस तो बनवाओ ना आप। अरे वो बनेगा ना नवंबर में इंशाल्लाह, नवंबर में, उसके बाद चलाना। तुम तो हमें भी बंद करा दोगे गाड़ी जब्त करा दो। तो ये अबू बकर को देखो गाइस, कितना सीधा साधा बच्चा है ये। सलाम करो। स्कूल नहीं गए आप आज? स्कूल नहीं गए आप आज? कह देना स्कूल रह गया मेरा।
स्कूल क्यों नहीं गए? नदी में पानी आ गया है? क्या तो पानी से तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें बहाना चाहिए छोटा सा, छुट्टी का छोटे से छोटा बहाना, बारिश आ जाए तो नहीं जाते हो? लोग बाग यहाँ के कपड़े सुखा रहे, नहाने आ रहे। तुमने कहाँ जाओगे? कहाँ जाएगा? कल्ला फाड़। कहाँ जाएगा घूमने? चार्जिंग कर रहा हूँ अभी। इधर पहाड़ों पे लेके ना जाऊंगा, अगर मैं जाऊंगा तो ना मत लेके जी बेटे, चार्ज कर तो गाइस ये बस देखो पंजाबी में पता ना क्या लिखा हुआ है, और ये शिफ्ट वाले भाई जान जो हैं, और ये अबे बड़ी शिफ्ट हैं, बहुत घंटों से पीछे पीछे हैं ये। तो गाइस ये हमारा रोड है, देखो ये इसी में मजा कर रहे हैं। देखो गाइस ये पंजाबी ऐड कर रहे हैं, हमें ये ऐड दे दे, हमारे भी काफी सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, काफी पब्लिक हमें जानती है, हमारे 2.3 के हैं। मगर अभी हमें कोई आइटम वाइटम नहीं मिल रही है गाइस, अभी हमारा बहुत मद्दा है, अभी तो हम अपने पास से ही खर्चा कर रहे हैं, ब्लॉग बनाने हम जाते हैं ब्लॉग के चक्कर में पैसे खर्च करके घूमने, मगर पब्लिक हमारे ब्लॉग पसंद नहीं कर रही है। आपके पास आ रहे हैं तो थोड़ी तो यार, अब तो हमने लाखों रुपए उठा दिए ब्लॉग के चक्कर में, एक रुपए की कमाई नहीं हुई है गाइस। गाइस भाई को सपोर्ट करो। भाई अपने चैनल का नाम बताएं प्लीज। सानू ब्लॉग। सानू ब्लॉग। जब दुबई का ब्लॉग डलेगा, जब ही फेमस होगा हमारा चैनल। किधर चलना भाई? क्योंकि यहाँ तो सभी घूम रहे हैं। इधर को चलना राइट। गाइस ये ड्राइवर को हमें एक एक बात बतानी पड़ती है, ना तो आज के टाइम में ड्राइवर इतना तेज होता है, खुद ही निकाल देता है गाड़ी। गाइस देखो ये पंजाबी क्यों लिखते हैं यार, ये पागल है क्या? गाइस ये सरहिंद बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जगह है, और हम तो गाइस गुरुद्वारे के रूम में रुकेंगे, काफी एंजॉय आता है वहाँ। गाइस अपनी गाड़ी की तरह व्हील दिख गए, देखो गाइस। अरे गाइस इसमें कैमरे में आ नहीं पाए। गाइस एक्सयूवी 700 का रोला है यहाँ पे, देखो आप देख सकते हैं, फॉर्च्यूनर एंडेवर को इतने लोग नहीं देख रहे जितने एक्सयूवी 700 को देख रहे थे। और गाइस ये हमारी ऑडियंस जो ये हमारी ट्रिप मेंबर, इन्हें हंसने के लिए लेकर आए हम 500 रुपए में। 500 दाढ़ी इन्हें हंसने की दी है, हमारा ब्लॉग चल जाए थोड़ा इनकी हंसी को देख के। गाइस इधर बिना और क्या रखा है गाइस? कुछ नहीं रखा गाइस, हंस लो खेल लो कूद लो वही बस। अब खेलने कूदने ये स्कूल है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये छोटी सी नहर निकल रही है, बहुत ही खूबसूरत नहर है, और ये गाइस ये गुरुद्वारा आ चुका है, यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है सरहिंद में अब, और ये इधर भी गुरुद्वारा है गाइस, चारों तरफ यहाँ गुरुद्वारे ही गुरुद्वारे नजर आते हैं। किधर चलना? इधर की चलना हमें, बिना मैप के चला जा रही है गाइस अब तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये ट्रक में जो है भूस आ रही है। ब्लॉग बना दोगे ना, बात बात पे दांत क्यों फाड़ोगे तो बता दो। मुझे पता है बुजुर्ग के दर्द तो गाइस देखो यार थार दिख गई है सौरभ जोशी की, डेली सेल धमाका में। तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे, काफी लंबा जाम लगा हुआ है, इधर कोई लेनी है हमें आगे से। तो गाइस आप लोग जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल भी जगह नहीं दे रहे हैं, यहाँ रेड लाइट का कोई हिसाब नहीं है, मगर हमने भी मुरादाबाद के हैं हम भी, हार नहीं मानेंगे, आखिर हमने भी पढ़ाई थी, चलो सीधे चलो। तो गाइस ये आ चुका है गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब, गोल्डन मंदिर, और यहाँ पे पार्किंग की हमें स्लिप लेनी पड़ेगी, यहाँ पे पार्किंग ले लेते हैं हम। सोहेब भाई आ रहा है ना हाथों में, कितने रुपए देने हैं? कितने नहीं अंकल जी?
कितने देने हैं? फ्री पार्किंग है। थैंक यू। ठीक है सरदार जी, सीधे चलो यही लगा देंगे। तो गाइस आपने देखा बिल्कुल फ्री पार्किंग है। हमारे मुरादाबाद में होती है 50 से कम की नहीं होती। इधर कोई ले लो तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे और ये काफी फ्रेश महसूस कर रहे हैं। 8 घंटे से लगातार गाड़ी चला रहे हैं हमारे जिसान भाई, बहुत ही बढ़िया ड्राइवर है। भूख बहुत लग रही थी। कितनी देर से भूख लग रही थी? बहुत देर से, 2 घंटे। 1 बजे से चल रहे हैं लगातार। 11:28 11:28 हो चुके हैं और भैया गाड़ी भी बहुत ही खतरनाक चलाते हैं ये गाइस। आप लोग कभी बैठना अगर आओ तो पाक बड़ा हर्बल पार्क जो अखिलेश यादव भैया जी ने अपने बनवाए। कुछ गाड़ी की हालत हमारी ऐसी हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग, मगर गाड़ी भी बहुत ही जानदार है। क्रेटा पुरानी वाली, नई गाड़ी तो बिल्कुल ही बेकार है। अबे देखो एसी वाले रूम है इधर। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम रूम की तलाश में जा रहे हैं, यहाँ होटल देखते हैं आगे कहीं मिलता है तो, पीछे तो थे मगर वहाँ हम रुके नहीं, सोच रहे थे दरगाह के पास में लेंगे। ये फाटक बंद है, फाटक बंद कर रखा है। हम गाड़ी से आ रहे थे, अभी गाड़ी दोबारा वापसी लगा कर आए हैं, पैदल आए हैं। अब पैदल वालों के लिए फाटक 24 घंटे खुला रहता है, देख सकते हैं आप। तो गाइस इसके नीचे को हम निकल चुके हैं और ये इधर लंगर चल रहा है गाइस। तो गाइस इधर देखो कितना लंबा जाम है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो है पब्लिक थक चुकी है और इन्हें नींद आ रही है, सुबह से इन्होंने खाना भी नहीं खाया है, अभी ये टिक्कियां तोड़ेंगे उसके बाद में देखना इन्हें खत्म ना है। उसके बाद में देखना ये तो फाइनली धक्के खाने के बाद रूम मिल चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस हम कितना आ चुके हैं अपने रूम की ओर।